हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में दो कॉलेजेस जहां पर अभी करंटली जॉब वैकेंसीज है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपने आपका सेट क्वालिफाई किया है, आपने आपका नेट क्वालिफाई किया है, या फिर अगर आपने PhD भी किया होगा तो भी आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। सो फॉर मराठी स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जर तुमचं सेट नेट किंवा PhD झालं आहे तर तुम्ही या दोन कॉलेजेसमध्ये अप्लाय करू शकता। तर चला बघूया ते दोन कॉलेजेस कोणते आहेत। सो फर्स्ट है सिम्बायसिस इंटरनॅशनल डीम युनिव्हर्सिटी। तो ये एक प्रायव्हेट कॉलेज है, प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी है। यहाँ पर करंटली वेकन्सीज अवेलेबल है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए है और कौन कौन से लोकेशन पे है वो सब यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट कॉलेज आहे सिम्बायसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी। पुणे, नागपूर, नोएडा आणि हैदराबादसाठी त्यांचे ओपनिंग्स आहेत। तर जर तुम्ही कोणत्याही सिटी किंवा शहरात आहात तर तुम्ही या कॉलेजमध्ये अप्लाय करू शकतात। फर्स्ट इज ओपनिंग्स ॲट फॅकल्टी ऑफ लॉ, पुणे, नागपूर, नोएडा, हैदराबाद। सो यहाँ पर लिंक्स दी गई है, लिंक्स दिले गेले आहेत पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपूरसाठी। जर तुम्ही या लिंकवर क्लिक केलं तर तुम्हाला फर्दर डिटेल्स अबाउट दॅट कॉलेज जे काय असतील ते तुम्हाला तिथे अवेलेबल होणार। अगर आप ये लिंक्स पे क्लिक करते हो तो उस कॉलेज, उस इंस्टीट्यूट के जो भी डिटेल्स है, वहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, वो सब आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो अगर आप पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर इन चार सिटीज में रहते हो और आपका सेट नेट या PhD हो रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाय कर सकते हो। कोणकोणत्या पोस्टसाठी वेकन्सीज अवेलेबल आहेत? प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर, रिसर्च फॅकल्टी, प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस अँड लीडरशिप पोझिशन। सो जर तुम्ही इथे क्लिक केलं, क्लिक हिअर फॉर डिटेल्स, इफ यू क्लिक हिअर फॉर डिटेल्स, अगर आप क्लिक हिअर फॉर डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे और भी डिटेल्स दिए गए हैं। हा जो पोस्ट आहे, हा जो डॉक्युमेंट आहे तो ओपन होणार। ते एकदा तुम्ही रीड करून घ्या की तुम्ही कोणत्या पोझिशनसाठी एलिजिबल आहात। अँड इथे दिला आहे अप्लाय। सपोज असिस्टंट प्रोफेसरसाठी तुम्ही एलिजिबल आहात तर क्लिक ऑन अप्लाय। इफ यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टंट, इफ यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टंट प्रोफेसर, क्लिक ऑन अप्लाय। अप्लाय पे क्लिक करने के बाद आफ्टर क्लिकिंग ऑन अप्लाय इथे येणार यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टंट प्रोफेसर इन फॅकल्टी ऑफ लॉ। ही लिंक ओपन झाल्यावर इथे दिलेले जे काही इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते रीड करून तुम्ही लॉग इन करून तुमचं न्यू अकाउंट क्रिएट करा सिम्बायसिस युनिव्हर्सिटी साईटवर। यू हॅव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट ऑन सिम्बायसिस युनिव्हर्सिटी साईट। अँड जैसे आप नॉर्मल रिझ्यूम फिल करते हो वैसे ही आपको नॉर्मल रिझ्यूम फिल करना है और अटॅच भी करना है। एकदा जेव्हा तुम्ही अकाउंट क्रिएट केलं त्यानंतर तुम्हाला फक्त डिटेल्स फिल करायचे आणि तुमचा जो रिझ्यूम असेल तो तिकडे सबमिट करायचे। सिमिलरली तुम्ही ॲज पर युअर एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया तुम्ही ज्या पोझिशनसाठी एलिजिबल आहात त्या पोझिशन्सचे वेगवेगळे लिंक्स दिले गेले आहेत। हर पोझिशन के अलग अलग लिंक्स है, आप क्लिक करके अप्लाय कर सकते हो। और आपको कौन से सिटी के लिए करना है वो भी ऑप्शन आपको पूछा जाएगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। जैसे कि पुणे हो गया, नागपुर हो गया, तो आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे आपको एक ड्रॉपडाउन आएगा शायद। हाँ राइट, ड्रॉपडाउन ही आएगा। ड्रॉपडाउन में आप सिलेक्ट कर सकते हो आपने कौन सी सिटी के लिए अप्लाई किया है। और सब्जेक्ट एरियाज भी दिए गए हैं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, क्रिमिनल सिक्योरिटी। तो आपका जो भी स्पेशलाइजेशन होगा या कोर सब्जेक्ट होगा वो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। तुमचा जो कोर सब्जेक्ट असेल तो सब्जेक्ट तुम्ही ॲप्लिकेशन फॉर्ममध्ये मेन्शन करू शकता। इथे दिलं पण गेलं आहे की त्यांना कोणकोणते सब्जेक्टसाठी स्पेसिफिकली फॅकल्टीचं रिक्वायरमेंट आहे। ठीक आहे, आता खाली गेल्यावर फॅकल्टी ऑफ मॅनेजमेंट के लिए भी ओपनिंग्स है।
कौन से सिटीज में? पुणे, नासिक, नागपुर, नोएडा, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो ये जो भी सिटीज है, यहाँ पर जो जो इंस्टीट्यूट्स है, फॉर एग्जांपल बिजनेस मैनेजमेंट का पुणे में है, इंटरनेशनल बिजनेस पुणे में है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट नासिक में है, मैनेजमेंट स्टडीज नोएडा में है, तो उन सभी के लिंक्स दिए गए हैं। तुम्ही जाऊन त्या इंस्टीट्यूट्सचा जो वेबसाइट आहे ते चेक करू शकता, ते कोणकोणते कोर्सेस ऑफर करत आहेत ते पण तुम्ही चेक करू शकता। तो जैसे लॉ के लिए आपने जो जैसे लॉ के लिए मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताए हैं, सेम इंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट के लिए भी है। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें मेंशन किया गया है कि पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, सिमिलर डिटेल्स यहाँ पर भी दी गई है। आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी वो आप फिलअप कर सकते हो। आफ्टर फिलिंग अप द डिटेल्स आपको आपका रिज्यूम अटैच करना है एंड येस दैट्स इट। तुम्हाला अकाउंट क्रिएट करायचं, अकाउंट क्रिएट झाल्यावर तुमचे जे डिटेल्स आहेत ते तुम्ही मेंशन करू शकता। डिटेल्स मेंशन केल्यानंतर रिज्यूम अटॅच करा आणि दॅट्स इट। तर मॅनेजमेंटसाठी पण जे कोर सब्जेक्ट एरियाज आहेत ते इथे मेंशन केले गेले आहेत, ऑपरेशन्स, मार्केटिंग, सिक्स सिग्मा, फायनान्शियल ऑपरेशन्स, बिझनेस अनालिटिक्स, टेलीकॉम मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आपका जो भी कोर सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिम्बायसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दो ओपनिंग्स है फिलहाल, एक है लॉ के लिए एंड दूसरा है मैनेजमेंट के लिए, और लोकेशंस है पुणे, नागपुर, नोएडा एंड हैदराबाद। और मैनेजमेंट के लिए बेंगलुरु और नासिक में भी ओपनिंग्स है। तर तुम्ही या शहरात आहात आणि जर तुमचं सब्जेक्ट मॅनेजमेंट किंवा लॉ आहे तर तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता। रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट तुमचा सेट, नेट ऑर एल्स PhD ॲज पर द डेझिग्नेशन। जर प्रोफेसर आहे तर ऑब्व्हियसली PhD लागणारच। जर तुम्ही असिस्टंट प्रोफेसरसाठी अप्लाय करताय तर सेट झालं असेल तरीही तुमचं काम होऊ शकतं। तो ये था फर्स्ट इंस्टीट्यूट जहाँ पर ओपनिंग्स है और आप अप्लाई कर सकते हो। एंड मुझे नहीं लगता यहाँ पे वो फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी चार्जेस ले रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लिकेशन फॉर्म किंवा तुमचं रिज्यूम फिल करण्यासाठी आणि सेंड करण्यासाठी ते कोणतेही चार्जेस नाही घेत आहेत जेवढं मला नॉलेज आहे, कारण बऱ्याचशा स्टुडंट्सनी हा फॉर्म फिल केला आहे, इथे अप्लाय केला आहे, तर मी त्यांना विचारलं आहे। सो नो, देर आर नो चार्जेस, कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं। बस आपको आपके जो भी डिटेल्स है, रिज्यूम है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपने अगर कोई जर्नल्स में पब्लिश किए हैं आपके पेपर्स वगैरह, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉलेज। अब मैं सेकेंड कॉलेज कौन सा है वो बताती हूँ। सेकेंड ओपनिंग है सिम्बायसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की। तो जो स्टूडेंट्स अभी पूना में हैं वो इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट आपका सेट होगा या नेट हो गया होगा तो वो भी अच्छा है। दो ओपनिंग्स है यहाँ पर, जिन स्टूडेंट्स का सेट भी नहीं हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करेगी देखते हैं। तो जिनका सेट नेट हुआ है वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ये लिंक पर क्लिक करोगे, गूगल फॉर्म्स का ये लिंक है, उस पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन होगा। बेसिक से जो डिटेल्स होते हैं वो आपको फिल करने हैं और एट द एंड आपको आपका जो रिज्यूम है वो अटैच करना होगा। तर असिस्टंट प्रोफेसरसाठी जर तुम्ही पुण्यात राहत आहात आणि तुम्हाला आर्ट्स आणि कॉमर्ससाठी फॅकल्टी पोझिशनसाठी अप्लाय करायचं आहे फॉर असिस्टंट प्रोफेसर, तर तुम्ही सिम्बायसिसचं जो वेबसाईट आहे तिथे जाऊन करिअर्सवर क्लिक करून इथे एक गुगल फॉर्म दिला गेला आहे, तुम्ही तो गुगल फॉर्म ओपन करून बेसिक डिटेल्स जे आहेत ते तुम्ही फिल करा, तुमचा जो CV रिझ्यूम असेल तो अपलोड करा आणि सबमिट करा, ठीक आहे। आणि जर तुमचं सेट किंवा नेट नाही झालंय, अगर आपका सेट भी नहीं हुआ है, नेट भी नहीं हुआ है, तो टीचिंग स्टाफ का एक ओपनिंग है। यहाँ पर सेट नेट का रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच। अगर आपने सेट नेट नहीं दिया है या नहीं क्वालिफाई हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो टीचिंग स्टाफ के लिए। जर तुम्हाला जर तुमचं सेट किंवा नेट नाही झालं आहे तरीही तुम्ही अप्लाय करू शकता फॉर द पोझिशन ऑफ टीचिंग स्टाफ।
सिमिलरली तुम्ही त्याच्या गुगल फॉर्मवर क्लिक केल्यावर हा एक फॉर्म ओपन होणार. तुम्ही फिल करा तुमचा जो रिझ्यूम आहे. तुम्ही तुम्ही सेट नाही केला आहे, क्वालिफाईज नेट नाही केलं आहे, पण तुम्हाला जर टीचिंग एक्सपिरियन्स आहे तेही तुम्ही तिथे मेन्शन करू शकता. सो ये दो ओपनिंग्स है पुणे के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली. एंड जिनका सेट नेट नहीं हुआ है क्वालिफाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं. और एक ओपनिंग है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, बट ये आप आपके कोई जान पहचान के होंगे जिनका ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड है, वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो. तो आई होप सगळ्यांना समजला आहे असिस्टंट प्रोफेसर आणि टीचिंग स्टाफ. टीचिंग स्टाफसाठी जर तुमचं सेट नेट नाही झालंय तरी नो प्रॉब्लम, तुम्ही अप्लाय करू शकता. तो सेकेंड ओपनिंग भी सिम्बायसिस कॉलेज का है आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए, बट ये सिर्फ और सिर्फ पुणे के लोगों के लिए ही है. तो अगर आपका आर्ट्स या कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन हुआ है या आपका सेट हुआ है, नेट हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आपका सेट नेट नहीं हुआ है तो आप टीचिंग स्टाफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. तर हे होते दोन कॉलेजेस. मला नक्की कळवा की तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ हेल्पफुल होता का नाही. आणि पुढे जाऊनही जर तुम्हाला जॉब वेकेन्सीजबद्दल कोणत्याही शहरात असू द्या, तुम्हाला जर असे व्हिडिओज बघायचे आहेत इन फ्युचर, तर नक्की मला कमेंटमध्ये कळवा. तर जर तुम्हाला अजून जॉब वेकेन्सीजचे व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर बघायचे असतील तर मेक शुअर तुम्ही कमेंट करतायत, कमेंट करून मला नक्की कळवा. आणि ऑल द बेस्ट जे लोक इथे अप्लाय करणार आहे, आय होप तुमचं सिलेक्शन होणारच होणार. तो इस वीडियो को मैं यही एंड करूँगी. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था. अगर आपको और ऐसे ही जॉब वेकेंसी रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है. और अगर आप किसी और सिटी में रह रहे हो जिसका मेंशन यहाँ पे नहीं हुआ है और वहाँ के वेकेंसीज के बारे में आपको कुछ पता करना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो. हम मेक श्योर करेंगे कि हम ऐसे सिटीज का भी वेकेंसीज को हमारे वीडियो में कवर करें. एंड आई विश ऑल द बेस्ट जो भी इन यूनिवर्सिटीज इन कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे. आई विश यू ऑल द बेस्ट और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा. एंड यस, ऑल द बेस्ट. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. जाने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ जो वेकेंसीज के सर्च में है. एंड कमेंट करके भी बताइए कि आपको ऐसी वेकेंसीज के बारे में अपडेट्स अगर हमारे चैनल पे चाहिए होंगे या कौन से सिटी के स्पेसिफिकली चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम पोस्ट किया करेंगे. सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे.